दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा बुधवार 1 दिसंबर 2021 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल हो गए। सिरसा ने भाजपा में शामिल होने के साथ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से इस्तीफा दे दिया है। सिरसा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सिखों के जितने भी मुद्दे हैं वे हल होने चाहिए, लेकिन ये राजनीति के भेंट चढ़े हैं, इसलिए मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुआ। इससे पहले सिरसा ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा साझा करते हुए लिखा, सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, कर्मचारियों और मेरे साथ काम करने वाले लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और आगामी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने समुदाय, मानवता और राष्ट्र की सेवा करने की मेरी प्रतिबद्धता बनी रहेगी। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब मनजिंदर सिंह सिरसा का भाजपा में शामिल होना पंजाब विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वहीं भाजपा कुछ दिनों पहले पंजाब में अपना पूरी तरह अस्तित्व खो बैठने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हाथ मिलने और अब सिरसा को पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी जमीन को ढूंढ लिया है। वहीं अब 4 दिसंबर को किसानों की मीटिंग पर नजर रहेगी। अगर किसान वापस लौट जाते हैं तो बेशक भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले साल सरकार बनाने में बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल जाएंगे।